अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आइडियाज़ और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट टू। पहला चैप्टर है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम जानेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना होता है। एक हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास एरिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास एक कर्व को जांचने का नाम है। इस कर्व के बेसिकली दो हिस्से हैं, इसका एरिया अंडर एरिया वन है, और इस एरिया को फाइंड करना एक हिस्सा हमारा है, और इस एक्स बार को या एक्स लाइन को इस पे पॉइंट फाइंड करना किसी भी जगह पे, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक्स हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन फार्मूलाज याद रखने चाहिए। वो है हमारे पास पी एक्स लेस देन ए। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम क्या करेंगे, फाई ऑफ ए को प्लेस करेंगे। अच्छा, याद रखें हमने पॉइंट एक्स फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे, जी लेस देन ए, क्योंकि हम जी के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास है जी ग्रेटर देन ए, यहाँ हम क्या करेंगे, वन माइनस फाई ऑफ ए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा फार्मूला दो पॉइंट्स को कैलकुलेट करता है। आपके पास आएगा ए और बी। इसके बाद पहले आपके पास सेकंड पॉइंट, फिर माइनस करेंगे आप उसमें से फर्स्ट पॉइंट को। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, एरिया फाइंड करने का। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कोका कोला डाटा लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास गिवन होगा दो तरह का, एक म्यू की वैल्यू गिवन होगी और एक सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी। म्यू बेसिकली पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एज्यूम करते हैं। लेट सपोज इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 10। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लेंगे। लेट सपोज क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एरिया बिलो 63। अब बिलो 63 हमने फाइंड करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, पी एक्स में डाटा गिवन है लेस देन 63, इसे हमने फाइंड करना है। इसे फाइंड कैसे करेंगे, आइए देख। सबसे पहले पी एक्स लेस देन 63 हमने इसको फाइंड करना था। हम क्या करेंगे, पी एक्स लेस देन 63 लिखेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक्स को जी में कन्वर्ट करेंगे। जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा यहाँ पे लिखेंगे और दूसरी साइड पे भी इसके हम क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, अब हम वैल्यूज प्लॉट करेंगे। ये बन जाएगा जी और यहाँ पे आएगा हमारे पास 63 माइनस, हमारे पास 50 थी वैल्यू म्यू की और 10 वैल्यू थी हमारे पास किसकी, सिग्मा की। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी जेड लेस देन, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारे पास क्या, 1.3। अब हमारे पास सेम ये आंसर बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है लेस देन ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए का। हम ये फार्मूला यहाँ पे प्लॉट करेंगे, होगा क्या, फाई ऑफ 1.3। इसके बाद टेबल हमारे पास 9 है जो कि इसकी वैल्यू देगा। हमने 1.3 को 0.00000 में से देखना है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.9032, और ये पी एक्स लेस देन 63 का आंसर होगा। ये हमारे पास आंसर है। तो आज हमने पहला हिस्सा सीखा है जिसमें हमने एरिया फाइंड करना सीखा है। एरिया फाइंड करने के लिए तीन बेसिक फार्मूलाज हैं, एक मैंने आपको सिखा दिया है, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कोका कोला तू।